तो आज हम भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं। भूगोल हर कंपटीशन के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो भूगोल एक आप तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो पर्यावरण जिन सब्जेक्ट में आता है, जैसे यूपी टेट है और सुपर टेट है, सी टेट है, तो इसमें पर्यावरण शब्द जुड़ा हुआ है, तो वो बच्चे भी इसको स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ये उनसे उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। तो भूगोल में सबसे पहले हमें देखना है, एक तो हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का, ठीक है, और एक हमें अध्ययन करना है अंतरिक्ष का, ठीक है, मतलब जो आपके चांद, तारे, सूरज वगैरह जो भी होते हैं, अंतरिक्ष का अध्ययन करना है, और एक अध्ययन करना है अपना भारत का, है ना। तीन चीज़ें हमें भारत इसमें भूगोल में पढ़ना है। एक पृथ्वी के बारे में पढ़ना है यानी विश्व का भूगोल, एक भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है, और एक पढ़ना है अंतरिक्ष के बारे में। तो ये जो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना है, यही थोड़ा अलग है, बाकी पृथ्वी का भूगोल ये, इसमें विश्व का भूगोल पूरा अपन पढ़ेंगे और भारत का भूगोल। तो अंतरिक्ष का जो भूगोल है, इसके लिए एक खास नाम दिया जाता है, इसको खगोल शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। जो अंतरिक्ष का विज्ञान है, जो अंतरिक्ष के बारे में जो स्टडी होती है, उसको हम खगोल शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, अंतरिक्ष से, यानी कि जब धरती का निर्माण हुआ था, जब ये ब्रह्मांड बना था, और जब ये नदियाँ, चांद, तारे, सितारे, ये सब कुछ बने थे, पहाड़ हो गया, है ना, और जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है, या फिर जो अंतरिक्ष में है ना, तो जो भी हम देख पा रहे हैं, वो सब कुछ कब बना था, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप इसको समझें कि एक समय ऐसा था कि जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, है ना। बताया जाता है कि उस समय एक छोटे से मटर के दाने के बराबर एक तप्त गोला था। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब एक तप्त गोला था, ठीक है, और इसमें विस्फोट के दौरान, इसमें विस्फोट होता है और उसके बाद ऐसा पूरी संसार बन जाता है, सारी आकाशगंगाएं, सारे तारे, ठीक है, और सारे ग्रह, उपग्रह, ये सब कुछ इस विस्फोट के बाद बना था, ऐसा मानना है सबका। तो इसके लिए मतलब ये धरती कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे बना, चांद, तारे, सूरज, ये सब कुछ कैसे बने, इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे। बहुत सारे सिद्धांतों में से केवल तीन सिद्धांत ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। पहला सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग का सिद्धांत। इसको हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। फिर है साम्यवाद का सिद्धांत, ठीक है, दूसरा सिद्धांत हो गया। और तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत जो है कि मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि यही केवल तीन सिद्धांत नहीं, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे जिसमें वैज्ञानिकों ने ये बताने की कोशिश की है कि इस धरती का निर्माण कैसे हुआ था, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये पर्वत कैसे बने, ये चांद तारे कैसे बने, अपने सूर्य जो चमकता है वो कैसे बना है। तो वो सारी चीज़ें बताने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन इन तीन सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त की। तो इन्हीं तीन सिद्धांतों के बारे में हम क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे, और इसी के बारे में हमें पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है, जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज
लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटियर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये सिद्धांत के जन्मदाता हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे इस धरती और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले मस्तिष्क में एक चित्र बना देते हैं कि भाई इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, है ना, तो उस समय क्या था, एक मटर के दाने के बराबर तप्त गोला था। और बताते हैं कि इसके आसपास जो भी तत्व मौजूद थे, ठीक है, जो भी तत्व इसके आसपास मौजूद थे ढेर सारे, उन सब से ये संलयन क्रिया करता है। ये जो तप्त गोला था उन सब से क्या करेगा, संलयन क्रिया करेगा, और उसके बाद में इसमें होता है एक भयानक विस्फोट। ठीक है, और विस्फोट होने के बाद इसमें कुछ विशेष प्रकार के तत्व निकलते हैं, कुछ पदार्थ इससे उत्सर्जित होते हैं। और उस फिर कुछ साल बाद, ठीक है, करीब 1500 करोड़ साल बाद इसमें फिर से विस्फोट होता है दोबारा। और जब दोबारा विस्फोट होता है तब निर्माण होता है संपूर्ण ब्रह्मांड का, आकाश गंगाएं बनती हैं। ठीक है, आकाश गंगा का निर्माण होगा, आकाश गंगा, चांद, तारे, धरती, ये सब कुछ, ये सब का निर्माण होगा। और जब पूरे संसार का, ये जो संसार है, ये अंतरिक्ष है, सब कुछ जो कुछ भी इस धरती में है, यानी कि जब पहली बार पूरे विश्व का चित्र किसी के दिमाग में आया था, जब पूरे विश्व का चित्र जो है किसी के दिमाग में आया, तो उसने उसको नाम दिया। ठीक है, उसने इसको क्या नाम दिया, कॉस्मोस, यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के नाम से उसने सबको बताया कि ये पूरी दुनिया है, इसके नक्शे को हमने क्या बताया, कॉस्मोस के नाम से, ब्रह्मांड है। ठीक है, और उसमें ये सारी चीज़ें बनती चली गईं। तो ये हमारी आकाशगंगा इस तरीके से हमने बताया, और इन्हीं आकाशगंगा के अंदर हमारा सौरमंडल है और बाकी के सौरमंडल हैं, और तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूल के कण हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो यहाँ देखा आपने कि इस तरीके से इसका निर्माण हुआ। अब जैसे कि ये आकाशगंगा है, तो इस आकाशगंगा में ढेर सारे क्या होते हैं, तारे, ढेर सारे क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं तारों को देखो, जो तारा होता है ना, जो तारा होता है यही सूर्य होता है। ठीक है, जो तारा है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही तारा है, दोनों एक ही चीज़ है। जो हमारा सूर्य है, जिस सूर्य को हम देखते हैं दिन में, वो भी क्या है, एक तारा है, लेकिन वो हमारी धरती के क्या है, बहुत करीब है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर, धरती के बहुत करीब होने के कारण वो हमें बड़ा दिखाई देता है। और बाकी के जो सूर्य हैं, है ना, बाकी के जो तारे हैं वो कैसे हैं, बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और तारों के रूप में दिखाई देते हैं, और वो सिर्फ रात में ही चमकते हैं तारों के रूप में। और ये क्या होता है, ये हमारा सूर्य हमसे नज़दीक है, इसलिए हमें उजाला भी देता है, ऊष्मा भी देता है। ठीक है, और पृथ्वी पर जीवन भी सूर्य के कारण ही होता है। तो ये क्या है, ये हमारा सौरमंडल, आपने देखा होगा कि जैसे हमने ये सूर्य है अपना, ठीक है, और बाकी के ग्रह इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, है ना। तो सूर्य हालांकि सब में प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है, सबको प्रकाश देता है, लेकिन अभी तक जीवन केवल पृथ्वी में ही पाया गया है, बाकी किसी ग्रह में जीवन अभी नहीं पाया गया। इसी तरीके से जो बाकी के तारे हैं वहाँ तक अभी हमारे वैज्ञानिक पहुँच नहीं पाए, उनको केवल दूरबीन से ही देखा गया है, वहाँ तक पहुँचे नहीं है। जब वहाँ पहुँचेंगे कभी भविष्य में, तब पता चलेगा कि वहाँ पर जीवन है कि नहीं है, इसलिए वहाँ के जीवन के बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर इस विस्फोट के बाद इन सारी चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी आकाशगंगा होगी, ठीक है, ग्रह हैं, तारे हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके विस्फोट होने के बाद ये बनी थी। ठीक,
तो क्या इसकी प्रोसेस रही है, इसको थोड़ा और डिटेल से समझते जाते हैं। आप चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठो और वीडियो को प्रोस्पोस करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर चाहोगे आपको सीधी सीधी समझना तो समझ भी सकते हो, है ना। पहले समझ लो एक बार, फिर इसको लिख लेना। तो जैसे कि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में अगर हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमारा जो कमरा है, ठीक है, हमारा जो कमरा है, हमने यहाँ से बॉल फेंकी तो कहाँ जाकर रुकेगी, इस दीवार पे आके रुक जाएगी। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में हैं और यहाँ किसी चीज़ को फेंका गया, यहाँ किसी चीज़ को फेंका गया तो क्या वो कभी रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि वहाँ कोई दीवार ही नहीं अंतरिक्ष में, है ना। अंतरिक्ष बिना दीवार का है, आगे चली जाती जाएगी, जाती जाएगी। इसी तरीके से जब हमारा जो इस गोले में विस्फोट हुआ था तो बाकी के ग्रह और आकाश गंगा, ग्रह उपग्रह, ठीक है, इन सब का निर्माण हुआ और ये सारे निरंतर क्या हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। ये सब के सब क्या हैं, हमसे दूर जाते रहते हैं, इनकी दूरियां आपस में बढ़ती रहती हैं। तो एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है। और कोई भी आकाशगंगा होती है, जैसे कि अपनी आकाशगंगा को हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जो अपनी आकाशगंगा है मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ठीक। अगर हम देखें कि हमारा सूर्य इसमें कहाँ पर है, तो हमारा सूर्य इसमें यहाँ पर है, एक साइड में ये हमारा सूर्य है और ये बाकी के यहाँ पर ग्रह बने हुए हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाती, तो सबको पता होगा 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगा लेते हैं। चंद्रमा है, पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है, तो 27 से 29 दिन में लगाता है। इसी तरीके से सूर्य भी शांत नहीं बैठा है, ये भी परिक्रमा लगा रहा है। किसकी परिक्रमा लगा रहा है, आकाशगंगा की परिक्रमा लगा रहा है। कितने साल में लगाता है, 250 लाख साल में लगाता है, ठीक है। इतने साल में ये सूर्य इस आकाशगंगा की परिक्रमा लगाता है, ठीक है। तो आकाश अंतरिक्ष में हमने क्या देखा, अंतरिक्ष में हमने देखा कि कोई भी ग्रह या उपग्रह या तारे शांत नहीं बैठे, कोई सब कोई किसी न किसी की परिक्रमा लगा रहा है और निरंतर आपस में एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जो है आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके बाद ये जो ग्रह हैं, है ना, इनके बारे में हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो अभी तो ये भूगोल की आज हमारी स्टार्टिंग क्लास है, शुरुआत है, तो हमने केवल बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। बेसिक चीज़ें भी काफ़ी हैं और इसमें हमें आकाशगंगा को समझना है, इसमें हमें चांद को समझना है, तारों को समझना है, पृथ्वी को समझना है और किसकी किस कितनी दूरी है, कौन किस दिशा में रोटेट कर रहा है, कौन किसकी परिक्रमा लगा रहा है, ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ठीक है, और तारे का जन्म कैसे होता है, तारे की मृत्यु कैसे होती है, आकाशगंगा कितनी बड़ी है, एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, ठीक। तो और पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं और जहाँ पर ये आकाशगंगाएं खत्म होती हैं तो क्या उसके आगे कुछ है, है ना। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में और धीरे धीरे आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा। और उसके लिए अभी देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो मिस ना हो और अगली क्लास से आप हमसे लगातार इसी तरीके से जुड़े रहें, है ना। तो चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लें और अगली क्लास में हम ग्रहों के बारे में और इनकी बढ़ती दूरी और इनसे संबंध हम के बारे में, इनके बारे में जानकारी लेंगे।